हाय गाइस, दिस इज विशु। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग लाइट शेयर करने वाला हूं, जो कुछ ऑटोमेटिक सेंसर्स के साथ आती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जो पहली लाइट है वो है ये वाली। सो दिस इज द लीड बाइक ऑटोमेटिक टेल लाइट सेंसर बाइक। ये एक टेल लाइट है जो आप अपने बाइक के रियर में यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी, कितना छोटा सा है एंड टाइनी सा है। नाउ द फीचर ऑफ दिस लाइट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, विच सरप्राइज्ड मी, इज दैट जैसे इस लाइट को आप माउंट करते हो अपने बाइक में एंड इसको ऑन कर लेते हो लाइक दिस, सो एज यू कैन सी करेंटली ये पूरी तरीके से देखो कैसे ग्लो कर रहा है एंड ब्लिंक कर रहा है। बट द मोमेंट ये थोड़ा सा ब्रेकिंग को सेंस करता है, जैसे अभी ये थोड़ा सा इसने ब्रेक सेंस किया, तो ये स्टॉप होके पूरा ग्लो करता है। नाउ लेट मी शो यू, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, सी कैसे ये कॉन्स्टेंट हो गया। यू सी हियर, अभी देखिए जैसे ये पूरा ब्लिंक कर रहा है, या थोड़ा सा भी जैसे ही ये ब्रेक सेंस करेगा, देखो ये कैसे पूरा ग्लो करता है। यू सी, जैसे इसने थोड़ा सा ब्रेक सेंस करा, देखो किस तरीके से ये पूरा रुक गया। सो जो फीचर है इसका, दिस इज़ क्वाइट यूनिक, कि जैसे ही आप ब्रेक मारना शुरू कर दोगे ये लाइट ऑटोमेटिकली पूरा ग्लो करेगा, जिससे इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी और आपके पीछे जो होगा उनको भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप ब्रेक कर रहे हो, आप रुक रहे हो। इसके माउंट को अगर आप चेक करते हो, दिस इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर जो हमारे GPS बाइक कंप्यूटर लाइक गार्मिन उसके जिस तरीके से माउंट होते हैं। आपको बस इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना होता है एंड ये अपने जगह पे पूरी तरीके से लॉक हो जाता है इस तरीके से। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइट टेस्टिंग ऑफ दिस लाइट। सो रात में जब मैंने इस लाइट को यूज़ करा, एज यू कैन सी जो ब्लिंकिंग मोड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जब आप अपने बाइक को राइड करते हो, आपके बाइक के एक्सेलरेशन को पूरी तरीके से सेंस करके ये ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग मोड पे चलता रहता है। एंड जैसे ही आप ब्रेक मारना शुरू करते हो, ये ब्रेकिंग को सेंस करके जो आपके रियर का लाइट है उसको ब्राइट कॉन्स्टेंट मोड पे कर देता है, जिससे ये आपके पीछे वाले राइडर को पूरी तरीके से बता देता है कि आप ब्रेक मार रहे हो, आप रुक रहे हो। और जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन लेते हो, ये दोबारा ब्लिंकिंग मोड में स्टार्ट हो जाता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप ऑफ दिस लाइट, ये बहुत आराम से 2 से 5 घंटे तक काम करती है डिपेंडिंग ऑन द मोड। एंड ये रिचार्जेबल है, तो आप इसको बहुत इजीली रिचार्ज भी कर सकते हो। नाउ इस ऑटोमेटिक ब्रेक सेंसर टेल लाइट का जो प्राइस है एंड जो इसका बाइंग लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से चेक करके आप इसके लेटेस्ट प्राइसिंग को चेक कर सकते हो। नाउ जो सेकंड लाइट है आज के वीडियो में वो है ये वाली। नाउ ये जो ऑटोमेटिक सेंसिंग टेल लाइट है, ये बहुत ही यूनिक सा है, बिकॉज ये जिस डायरेक्शन में मूव होता है आप देखोगे इसका जो इंडिकेटर है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैंने अभी इसको अपने लेफ्ट की तरफ इसको झुकाया हुआ है, तो देखो जो इसका इंडिकेटर है वो पूरा लेफ्ट में जा रहा है। और जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ पॉइंट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक इंडिकेटर भी वहाँ पे दे देता है। और जैसे ही देखो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेकिंग सेंस करा, तो इसने कैसे कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस ये देना शुरू कर देता है। नॉट ओनली दैट, इसके अंदर एक छोटा सा लेज़र भी है यहाँ पे, विच यू कैन सी अभी ये काम कर रहा है। नाउ ये जो लेज़र है, ये एक लेज़र का प्रोजेक्शन करता है आपके बाइसिकल के पीछे, जो पूरा एक साइकिल बना के रखती है। नाउ ये जो इंटेलिजेंट टेल लाइट है, इसमें आपको 1200 mAh की बैटरी मिलती है जो USB चार्जेबल है। 3.5 घंटे के अंदर ये फुली चार्ज हो सकती है 0 to 100। ये बारिश में भी काफ़ी ईजिली काम कर सकती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ नाइट परफॉर्मेंस, तो 64 LED लाइट होने के वजह से नाइट टाइम में ये जो लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो दिखता है। एज यू कैन सी, अभी जो मैं करंटली आप देख सकते हो मैं अपनी बाइक को राइड कर रहा हूँ, एंड इसका जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो कितना है, आप देख सकते हो कि कितनी ईजिली ये विजिबल है। नाउ इस लाइट का भी प्राइस एंड बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। नाउ स्मार्ट सेंसर टेल लाइट अगर हमने दिखाया है, तो एक स्मार्ट सेंसर फ्रंट लाइट भी दिखाना बनता है। वेल, सो लेट मी शो यू, एट नंबर 3 वी हैव दिस लाइट। नाउ ये जो फ्रंट LED लाइट है हमारे बाइसिकल के लिए, ये भी एक ऑटोमेटिक सेंसर के साथ ही आता है। एंड वो कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। नाउ इफ़ यू सी दिस, आपको ये देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी सा लाइट लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा लाइट है, इसमें ऐसा यूनिक क्या है। बट लेट मी टेल यू कि इस लाइट के अंदर भी एक यूनिक सेंसर है, कि जैसे ही ये थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है या आप रात में राइड करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली नाइट को सेंस करके आपका जो लाइट है उसको ऑन कर देता है। कैसे, लेट मी शो यू। करंटली एज यू कैन सी जो हमारी लाइट है वो ऑफ है, जो हमारा फ्रंट का हेडलाइट है वो वर्क नहीं कर रहा है। बट एज यू कैन सी अभी ऊपर से जो हमारी लाइट है वो पूरी इसके ऊपर पड़ रही है, बट जैसे ही मैं उस लाइट को हाइड कर दूंगा, देखो ये किस तरीके से ऑन हो जाएगा। यू सी दैट, और जैसे ही इसके ऊपर दोबारा लाइट पड़ेगी, देखो ये ऑफ हो गया। सो इज़न्ट दिस अ कूल फीचर, कि लाइट तो हमारी ऑन है, पर जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा अंधेरा होता है, लाइट देखो पूरा काम करना शुरू कर देती है।
और जैसे दोबारा ऊपर से लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये ऑफ हो जाती है। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स इस लाइट के अंदर है, साइड की जो स्ट्रिप है ये काफ़ी इजीली विजिबल है, एंड डिफरेंट तरीके के मोड्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, लाइक दिस ब्लिंकिंग मोड, फास्ट ब्लिंकिंग, साइड ब्लिंकिंग, सामने का पूरा कॉन्स्टेंट इसके अंदर मोड मिलता है, कंप्लीटली कॉन्स्टेंट मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है। ड्यूरिंग द नाइट राइडिंग आई फाउंड आउट कि ये ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी ईजिली ये रास्ते को ग्लो कर देता है जिससे आप सामने आने वाले ट्राफिक एंड सामने आने वाले रास्ते को देख सकते हो। एज यू कैन सी इन द वीडियो, आपको वीडियो में देख के भी पता चल जाएगा कि इस लाइट का परफॉर्मेंस नाइट टाइम में कैसा है, कितना ब्राइटनेस ये आपको प्रोवाइड करती है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको एक फेयर आइडिया लग चुका होगा कि ये जो लाइट है इसका ओवरऑल ब्राइटनेस कितना है एंड ये नाइट में राइडिंग के दौरान आपको कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो इस लाइट का भी जो परचेज लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल लाइट इन दिस वीडियो, जो काफ़ी सारे लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरी पुरानी लाइट्स की वीडियोज़ पे, वो है ये वाली। नाउ ये जो लाइट है ये डिफरेंट तरीके के मोड्स आपको प्रोवाइड करती है, एज यू कैन सी हियर ये ऑलमोस्ट रेड, वाइट एंड ब्लू कलर का जो लाइट का प्रोजेक्शन है वो पूरा करती है। लेट मी टेल यू कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मैं इसकी तरफ अभी आँख से देख भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट ब्राइट, एंड रेड ब्लू एंड वाइट ऑलमोस्ट सारे लाइट इसके काफ़ी ईजिली वर्क करते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक पुलिस वाला टाइप फील आता है, जैसे पुलिस वालों की लाइट जलती है वैसा ही कुछ लाइट इसका जलता है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी इसमें ये वाइट कलर का लाइट जल रहा है, नाउ इसमें रेड एंड ब्लू जल रहा है, अब ये सिर्फ रेड लाइट पे जल रहा है, एंड नाउ यू कैन सी अब ये रेड ब्लू सब पे जल रहा है, अभी इसमें सिर्फ ये ब्लू कलर का लाइट जो है ये फ्लैश कर रहा है। तो आप चाहो तो अपने हैंडल बार में इसको लगा सकते हो, जिससे कहीं पर अगर आप नाइट में राइड करोगे तो ये पूरा एक ऐसा फील देगा जैसे कोई पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है। नाइट में इसका जो ब्राइटनेस है वो काफी इजीली विजिबल होता है, 110 मीटर तक जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफी इजीली नजर आ जाती है। एंड वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इजीली आपको 2.5 से 3.5 घंटे तक का जो बैकअप है वो पूरा दे सकती है, बेस्ड ऑन दी मोड्स जो आप चूज करते हो अपने राइडिंग के लिए। ये लाइट फुली रिचार्जेबल है एंड बारिश में भी काफ़ी इजीली ये लाइट वर्क करती है। इस लाइट का भी बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हो। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन सभी लाइट्स में से विच लाइट यू फाउंड आउट मोर यूजफुल फॉर यू, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी अमेजिंग बाइक रिलेटेड गैजेट्स एंड रिव्यूज देखने के लिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल साइकिल राइडर रॉय में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड साथ ही साथ मेरे CRR व्लॉग्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको साइकिलिंग व्लॉग्स एंड साइकिलिंग राइड्स में इंटरेस्ट है तो। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो, अंटिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। Bye-bye.